नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ अभी में से डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन के विधायकों के साथ रायशुमारी का आज दूसरा दिन है। आज अजमेर जिले के विधायकों से रायशुमारी की शुरुआत है, तो वहीं दिन भर में 20 जिलों के 52 विधायकों से माकन 1-to-1 चर्चा भी कर रहे हैं और उनकी राय भी जान रहे हैं। रायशुमारी के बाद में शाम को सभी विधायकों को मुख्यमंत्री की तरफ से CM आवास पर डिनर दिया जाएगा। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार और संगठन में बदलाव की चर्चाओं के बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने बुधवार को विधायकों से 1-to-1 की बात कही और वहीं पहले दिन 12 जिलों के निर्दलीय समेत 66 कांग्रेस विधायकों से माकन से सवाल पूछे हैं। इसमें विधायकों ने ही मंत्रियों को जमकर की शिकायत की। हालांकि फीडबैक देने के बाद बाहर आकर किसी विधायक ने सार्वजनिक रूप से किसी मंत्री के खिलाफ नाराजगी जाहिर नहीं की। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर ने जबरदस्त कोहराम मचाया था। सितंबर अक्टूबर तक तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही थी। तीसरी लहर की इन्हीं आशंकाओं के बीच एक अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि प्रदेश के 76% लोगों में कोरोना वायरस की एंटीबॉडी बन चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की ओर से पिछले महीने करवाए गए सिरो सर्वे में आई रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 43,159 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसी दौरान 38,525 लोग ठीक हुए और 640 मरीजों की मौत भी हुई है। सबसे ज्यादा चिंता केरल बढ़ा रहा है। यहाँ पर बुधवार को भी 22,056 लोग संक्रमित पाए गए, जो कि देश भर के नए संक्रमितों से आधे से अधिक हैं। राजस्थान में दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही कांग्रेस में सियासी घमासान थम नहीं रहा। पहले मुख्यमंत्री पद के लिए कई दिनों तक लंबा विवाद चला। आलाकमान की ओर से रायशुमारी कराई गई, विधायकों से पसंद और फैसले को लेकर सवाल किए गए थे। तब ऑब्जर्वर के तौर पर KC वेणुगोपाल और तत्कालीन प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने पार्टी के विधायकों से 1-to-1 बात की थी। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और निर्णायक मैच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में आज खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी उसकी बल्लेबाजी है। 9 अहम खिलाड़ियों के आइसोलेशन में जाने के बाद टीम के पास सिर्फ 5 बल्लेबाज बचे हैं। वन विभाग के अगले मुखिया यानी हेड ऑफ द फॉरेस्ट डॉक्टर दीप नारायण पांडे होंगे। 1988 बैच के सीनियर IFS का अनुभव और स्किल और सरकार में स्वीकार्यता के चलते नाम फाइनल माना जा रहा है। वह 2 दिन बाद रिटायर्ड हो रही श्रुति शर्मा की जगह लेंगे। पांडे का रिटायरमेंट 31 मई 2023 में है और इस लिहाज से 11 हेड ऑफ द फॉरेस्ट में इनका सर्वाधिक कार्यकाल है। पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि समधी को रिटायरमेंट से पहले पदोन्नति का लाभ देने के लिए सारे नियम कायदे को ताक पर रख दिए। डोटासरा ने तय तिथि से 2 दिन पूर्व ही DBC करवाकर नया पद सृजित कर दिया। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।